हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस हफ्ते की शुरुआत करते हुए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसी के साथ आपको बताएंगे वो 5 स्टॉक्स जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको देंगे 5 स्टॉक के रिकमेंडेशन, साथ ही जो स्टॉक्स पहले आपको रिकमेंड कर चुके हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करेंगे इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स के साथ। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स देख लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल 24,250 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 24,150 का है, पहला रेजिस्टेंस है 24,470 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 24,530 का। चलिए देखते हैं इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स। पहला सपोर्ट लेवल 50,200 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल इंट्राडे का 50,000 का है, पहला रेजिस्टेंस है 50,850 और दूसरा रेजिस्टेंस है 51,000। अब देखेंगे 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, यानी कि हर रोज की तरह आज भी आपको देंगे 5 स्टॉक के रिकमेंडेशन और आप इन स्टॉक्स को 7-10 डेज के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक रिकमेंडेशन आज के लिए है एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। वॉल्यूम स्पर्ट है यहाँ पर, आप इसे बाय कर सकते हैं 443 पर, स्टॉप लॉस 423 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 464 रख सकते हैं और दूसरा 482 पर। नेक्स्ट स्टॉक इज सन टीवी, बुलिश मोमेंटम है यहाँ पर, आप इसे बाय कर सकते हैं 917 पर, स्टॉप लॉस 882 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 952 और दूसरा टारगेट 980। नेक्स्ट स्टॉक इज पीएनबी हाउसिंग, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये स्टॉक, सो आप इसे बाय कर सकते हैं 821 पर, स्टॉप लॉस 788 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 854 और दूसरा टारगेट 885 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक रिकमेंडेशन है अपोलो टायर, ये नियर टू सपोर्ट है तो इसी रीजन से आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 492 पर, स्टॉप लॉस 472 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 513 और दूसरा टारगेट 530। नेक्स्ट स्टॉक इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फ्यूचर्स, यहाँ पर बियरिश फॉर्मेशन है, आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं 129 पर, स्टॉप लॉस 135, पहला टारगेट 123 और दूसरा टारगेट 117। अब देखते हैं वो स्टॉक्स के परफॉर्मेंस जो पहले हमने आपको रेकमेंड किए थे, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पिक्स। ट्रेंड वेंट अप 5.6%, दोनों टारगेट्स इसने अचीव किए हैं एंड MFSL वेंट अप 2.3%। चलिए अब नजर डालेंगे स्टॉक्स इन न्यूज पर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं CESC, जुबिलेंट फूडवर्क्स और होनासा कंज्यूमर के बारे में। सबसे पहले CESC के क्वार्टर वन रिजल्ट अपडेट देखें तो नेट प्रॉफिट 5.4% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एंड रेवेन्यू 12.8% राइज हुआ है। EBITDA 48.8% year on year down रहा है at ₹371 crore and margin at 7.6% versus 16.8% year on year। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स के क्वार्टर वन रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 31.4% ईयर ऑन ईयर डाउन रहा, रेवेन्यू 9.9% से राइज हुआ है। इसके अलावा एबिटा 0.7% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एट ₹278.2 crore एंड मार्जिन एट 19.3% वर्सेज 21.1% ईयर ऑन ईयर। होनासा कंज्यूमर के क्वार्टर वन रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 62.7% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एट ₹40.2 crore, रेवेन्यू 90.3% से राइज हुआ है। EBITDA 57.9% बढ़ा है at ₹46.1 crore and margin at 8.3% versus 6.3% year on year। So इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे important updates के लिए keep following us and अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपके फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें।